हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्लान जर्नीज के एक नए एपिसोड में। और इस एपिसोड में हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश, जिसको भारत के दिल के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं भारत के इस दिल के एक अनूठे अट्रैक्शन की तरफ। इस समय हमें मांडू क्षेत्र में, जो जैन और इंदौर के काफी नजदीक है, किला है, इसके अंदर अभी हम जाने वाले हैं और देखते हैं कि किस तरह का ये स्पॉट है और क्या क्या अट्रैक्शंस हैं इस किले के अंदर। तो जैसा कि हमने बताया था, मध्य प्रदेश टूरिज्म के मांडू किले पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर हमारे साथ हैं मोहम्मद कुरैशी जी, जो यहाँ पर गाइड हैं, गवर्नमेंट अप्रूव गाइड हैं। और उसके साथ मांडू के अलावा दो तीन और स्पॉट्स हैं इस किले के अलावा जो हम कवर करेंगे। उनके साथ थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन इनके साथ कर लेते हैं, जो डिटेलिंग में हमें समझाएंगे कि कहाँ कहाँ और क्या क्या मेन स्पॉट्स हैं मांडू में। तो जहाँ से भी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, मांडू का सबसे बड़ा एरिया और मांडू का मेन कॉम्प्लेक्स है। कहते हैं कि 600 साल पहले जितने भी सुल्तान थे उनका अपना रेसिडेंशियल एरिया हुआ करता था, वो बैक साइड में। ओके, मांडू के बारे में बताया गया है कि मांडू का जो किला है ये एशिया का सबसे बड़ा किला है एरिया वाइज में। ओके, और इंडिया का सेकेंड ओल्डेस्ट फोर्ट है, क्योंकि पहला चित्तौड़ा था राजस्थान के अंदर, दूसरा ये मालवा प्लेटोस के अंदर मांडू आता है। ओके, अभी मांडू बहुत छोटा सा टाउन है, करीब 15 से लेकर 20 हज़ार लोग पूरे फोर्ट में रहते हैं। ओके, हिस्ट्री में बताया गया कि 1000 साल पहले मांडू हिंदुस्तान का बहुत बड़ा शहर हुआ करता था। 1000 साल पहले तकरीबन यहाँ पर 7 से लेकर 9 लाख की आबादी पूरे मांडू किले के अंदर की थी। ओके, तो मांडू जो किले की वॉल है, अभी आप लोगों ने मांडू के अंदर आने के पहले 4 गेट क्रॉस किए। करेक्ट, आलमगीर गेट, भंगी गेट, कबानी गेट। तो मांडू किले की वॉल भंगी गेट से स्टार्ट होती है, जानते ना भंगी। जब यहाँ पर 9 लाख की आबादी थी उस टाइम में परमार यहाँ पे रूल करते थे, पहले भी और आज भी हमारे मध्य प्रदेश के अंदर अगर हम लोग अर्ली वेकअप करें, उस सामने अगर हमें हरिजन मिल जाए तो वो दिन हमारे लिए बहुत अच्छा मानते हैं। ओके, तो हिस्ट्री में बताया गया है कि एक हरिजन की डेड बॉडी को उस गेट के अंदर बैरिड किया था। अच्छा, कि कोई भी मांडू के अंदर आए तो फर्स्ट टाइम भंगी गेट मिले, यानी शुभ मुहूर्त से मांडू के अंदर आए, इसलिए उसको नाम दिया था भंगी गेट। ओके, लेकिन सर उसके पहले भी एक गेट था आलमगीर, बोलते कि औरंगजेब मांडू आने वाला था, उसके वेलकम्स के लिए उस गेट को बनवाया था, क्योंकि औरंगजेब का ही सेकेंड जो नाम था वो आलमगीर था। ओके, वैसे भी मांडू के अंदर 8th to 13th century तक यहाँ पे परमार थे, जो कि पूरी मालवा डायनेस्टी थी, और 13th to 17th century तक गोरी, खिलजी और मुगल। ओके, आखिरी डायनेस्टी मांडू के अंदर जो है मुगलों की थी। ओके, तो मांडू और मालवा की हिस्ट्री परमार से स्टार्ट हुई थी और पवार में जाके एंड हुई थी, पवार लाइक शरद पवार। ओके, क्योंकि जितने भी सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर जब परमार से यहाँ पे रूल करते थे, फर्स्ट टाइम दिल्ली के सुल्तानों ने अटैक किया तो आल परमार वेंट टू महाराष्ट्र फ्रॉम बॉम्बे एंड पूना, करीब 400 साल के बाद। 1724 के अंदर बाजीराव पेशवा फर्स्ट ने जब वापस इस एरिए को कॉन्कर किया था, तो उनके अपने 5 सरदार थे, या हम लोग मैम एडवाइज़र कह सकते हैं, उन 5ों को उन्होंने बड़ी सिटी डिवाइड किया। होलकर्स को दिया था इंदौर, पवार को धार, सिंधिया को ग्वालियर, गायकवाड़ को बड़ौदा और भोसले को नागपुर। तो उस टाइम में मांडू पवार इन्हें धार स्टेट के अंदर में आता था। सर बड़ौदा इसलिए दिया गया था कि अभी मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल है, पहले जो है मध्य भारत का क्षेत्रफल बड़ौदा से भी आगे था। Okay. तो गुजरात के जो पटेल थे वो महाराष्ट्र में जाके पाटिल हो गए, और मालवा के जो परमार थे वो पवार और पुवार हो गए, क्योंकि लैंग्वेज चेंज होने के बाद में सरनेम भी चेंज हो गया था। और भोसले को इसलिए दिया गया था कि मध्य भारत का कैपिटल नागपुर हुआ करता था, सिविल कैपिटल धार था, बाद में सुल्तानों ने धार से हटा के मांडू को पूरे मालवे का कैपिटल बनाया था। तो सर मांडू और धार के बीच का जो डिस्टेंस है वो 35 किलोमीटर है। जब कभी टेलीफोन नहीं थे तो हिस्ट्री में बताया गया कि परमार टाइम में उन लोगों ने हर 165 मीटर की दूरी के ऊपर छोटी छोटी गुम्बद बनाई थी। ये मांडू, हाँ ये मांडू का बहुत ही फेमस बिल्डिंग है जहाज महल। ये जहाज महल है। अक्सर मांडू के बारे में कोई आर्टिकल या फोटो वोटो दिया जाता है इस बिल्डिंग का, क्योंकि ये जो बिल्डिंग से 2 लेक के मिडिल में है, बैक साइड में मुंज टैंक और ये फ्रंट में कपूर टैंक है। अभी कहीं सालों से मांडू में बहुत कम बारिश हो रही, लेकिन एक समय था कि इतनी बारिश होती थी
कि फ्रंट वाले लेक का पानी यहाँ रोड तक आता था, मतलब दिस बिल्डिंग लुक्स लाइक वाटर बोर्ड। अच्छा, वो सब बैक साइड वाला जो लेक है वो अप साइड है और ये डाउन साइड है। ओके, वाटर कैचमेंट एरिया उधर से और ये सूरज टैंक है जो कि दोनों लेक को कनेक्ट करता है, और ये यहाँ पर एक केनाल दे रखी है जो कि यहाँ से यहाँ आने वाला पानी जो है इस टैंक में आता था, तो आ गया ही। ओके, अच्छा, इसीलिए इसको जहाज महल कहते हैं। और देखिए सर, ये जो छोटा टैंक बना हुआ है ये फिल्ट्रेशन प्लांट है। ओके, इसके अंदर कभी वो लोग चारकोल डाल के वाटर, फिल्टर्ड वाटर जो इस लेक में जाता था, आपको होल दिखाई दे रहे होंगे पत्थर के अंदर से, यहाँ पे स्टोन पाइप लगाए जाते हैं जिससे वाटर फिल्टर्ड होकर इस लेक में जाता था। ओके, और जो सामने जहाज महल के सामने जो आप लोग लॉन देख रहे हैं ना, मैंने देखा है 20-25 साल पहले, ये जो है हाँ, यहाँ पे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट था। ओके, और ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट बनाए थे जिस कंपार्टमेंट के अंदर हमेशा वो लोग चारकोल यूज़ किया करते थे। और इस सीढ़ी को बाद में जहांगीर ने बनवाया था, इसके पहले यहाँ पर एक सिस्टम हुआ करता था वाटर लिफ्ट करने का, उसके अंदर पर्शियन व्हील हुआ करता था, एक मोट हुआ करता था। तो ये जो सीढ़ी बनने से पूरा सिस्टम उसका ख़राब हो चुका है। तो सर, ये जो सीढ़ी की साइड में जो आपको दीवार टाइप का दिख रहा है, ये एक्चुअली वाटरफॉल है। कहते अच्छा। इसके साइड से एक दीवार थी, दीवार के ऊपर एक वाटर चैनल थी। ये सूरज टैंक से वो लोग पर्शियन व्हील के थ्रू वाटर लिफ्ट किया करते थे, और यहाँ पे वाटरफॉल बन के पूरे कंपार्टमेंट में से होते हुए वाटर फिल्टर्ड होकर इस लेक में आता था। और इस समय हम हैं एक पुराने समय के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के सामने। इसको लगभग 600 साल पहले सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था, और ये सच में एक अनूठा एग्जाम्पल है उस समय के इंजीनियरिंग वर्क का। आइए अब यहाँ से आइए आगे की ओर चलते हैं। यही मांडू का सबसे बड़ा एरिया और मांडू का मेन कॉम्प्लेक्स है। कहते हैं कि 600 साल पहले जितने भी सुल्तान थे उनका अपना रेसिडेंशियल एरिया था इसके बैक साइड में। उस पैलेस में आने के लिए उसका मेन गेट और मेन एंट्रेंस एक आगे हाथी पोल गेट था। हिस्ट्री में बताया गया है कि इसका जो बैक साइड का जो एरिया जो रॉयल पैलेस, वो 6 मंजिल बिल्डिंग थी, 3 अप एंड 3 डाउन। जितना भी अंडरग्राउंड बना हुआ है पूरा नेचुरल एयर कंडीशन है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड पर लेक से कनेक्टेड है। वो लेक की साइड से ऐसे पूरे क्रॉस वेंटिलेशन थे, जो कि समर में सभी लोग अंडरग्राउंड में रहते थे। ये हिंडोला मेले, हिंडोला मतलब झूला। इसके बारे में बताया गया है कि मांडू के ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट में, क्योंकि इस बिल्डिंग को स्टार्टेड एंड अनकम्प्लीट बाई परमार डायनेस्टी, कम्प्लीट बाई सुल्तान, 600 साल पहले कम्प्लीट किया था। और बिल्डिंग्स को बनाने की जो स्टाइल है वो टी शेप है, ये तो लॉन्ग पोर्शन है, हाफ इस साइड और हाफ उस साइड है। आप देखोगे कि बिल्डिंग का जो साइड वाले बिल्कुल स्लोपिंग है, पिरामिड टाइप, लेकिन ऊपर का कुछ ईंट का जो पोर्शन है वो जहांगीर ने बनवाया था। जहांगीर अपने परिवार के संग में आके तकरीबन 7 माह रुका है। तो ये जो बिल्डिंग है ना, विदाउट रूफ है, उसका एक रीज़न है कि आज भी हमारे मालवा प्लेटोस के अंदर सावन के झूले बहुत फेमस हैं। आज भी महिलाएं पेड़ों के ऊपर रस्सी लगा के झूला लगा के झूलती है। बताया गया है कि मानसून टाइम में इसको टेम्परेरी रूप से कवर किया करते थे लकड़ी या बैम्बू से, फिर उसके अंदर रस्सी डाल के झूले लगा कर बेगम इसके अंदर झूला झूलती थी, इसलिए इसको नाम दिया था हिंडोला महल। Okay. ये जितना भी सैन स्टोन है लोकल नहीं, मांडू का पूरा राजस्थान से बुलवाया गया था, और जितनी भी सैन स्टोन की जो बिल्डिंग है मांडू के अंदर, सब के अंदर आयरन है, मेटल। Okay. एक पत्थर से दूसरा पत्थर ज्वाइन करने के लिए मेटल का उपयोग किया था। कहते हैं कि रोम के अंदर जितने भी लोग चर्च बनाते थे हमेशा स्लेंटिंग वॉल लिया करते थे, तो इसके बारे में बताया गया कि इसको 77 डिग्री प्लेटफॉर्म पर बिल्टेड किया गया है। और ये जो बिल्डिंग है ना, विदाउट फाउंडेशन है, क्योंकि वो सामने जो फ्लोरिंग जो दिख रहा है, आज से करीब 25-30 साल पहले गवर्नमेंट ने जब इसको चेक करा था, पता चला कि ऊपर से बना हुआ है। तो ये जो बिल्डिंग है इंडिया में सिर्फ एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जो कि विदाउट फाउंडेशन है। ये मेटल जॉइंट दे रखा है इसके अंदर, हिंडोला महल फ्रॉम इनसाइड। और यही पोर्शन ओपन था, यही पर मानसून टाइम में टेम्परेरी रूप से कवर किया करते थे, बाकी के 8 महीने इसको ऑडियंस के रूप में यूज किया करते थे फॉर लेडीज, क्योंकि बहुत बड़ा हॉल था। मैं मुझे दे दिया, चलो।
सर ये जो विंडोज है ना, लुक्स लाइक फ्रॉम राजस्थान पेटेंट। हाँ, ये प्योरली हिंदूज आर्किटेक्चर में है, लेकिन अभी एक एक्सीडेंट हो गया था 3-4 साल पहले बच्चे का, तो उसको ऊपर जाने क्लोज कर दिया है। अच्छा अच्छा, ऊपर जाना अलाउड नहीं है। तो सर मैंने बताया था कि ये यहीं से उठाया गया है इसको, ये बिल्कुल ऊपर से उठाया गया है, इसलिए विदाउट फाउंडेशन है। ओके, बट ऊपर जा पाते थे ना, बड़ा अच्छा लगता। थोड़ा जैसे दिल्ली में कुतुब मीनार है ना, वहां पर भी तो ऐसे ही बना हुआ सब कुछ। यही मांडू का जो है रॉयल पैलेस, जो कि 6 मंजिल बिल्डिंग थी, 3 up and 3 down, और जितना भी अंडरग्राउंड नेचुरल एयर कंडीशन इंक्लूड हरम था। जब ये पूरा एरिया हरम था तो उस वक्त में किसी को भी अंदर अलाउड नहीं था, तो उस वक्त में उन लोगों ने लाइट के लिए जो टेक्निक यूज किया था, ये देखिए इसके अंदर कॉपर पाइपलाइन है, और ये कॉपर पाइपलाइन जो 3 जगह है, 1, 2 और 3, यहीं से डायरेक्टली कैंडल के लिए ऑयल जो तेल होता था पाइप में डालते थे, पाइपलाइन के थ्रू सीधा कैंडल में जाता, उसके बाद वो लोग लाइट जलाते थे। ये देखिए यहाँ पर भी तोड़ दिया है, ये पूरा कॉपर है, ये देखिए इसके अंदर भी। हाँ राइट, सर ये बावड़ी है। अच्छा, कुएं में बावड़ी स्टेप नहीं होती, बावड़ी में स्टेप्स होती है। हाँ। तो ये भी चंपा बावड़ी जो स्टेप वाटर वेल है, और इसकी जो गहराई है करीब 3 मंजिल है, सेपरेट वाटर वेल है जिसका एयर कंडीशन से कोई कनेक्टेड नहीं है। अच्छा, एयर कंडीशन देखेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड पर लेक दिखाई देगा, अभी लेक में पानी नहीं, और लेक की साइड से पूरे क्रॉस वेंटिलेशन थे, वो समर में सभी लोग अंडरग्राउंड रहते थे। सर ये जो वेल है ऊपर से कवर्ड हुआ करती थी, इसके ऊपर का जो रूफ है वो स्लोपिंग था, और यहाँ पर एक छोटा सा पानी का टैंक था, तो जितना भी रूफ का जो रेन वाटर था वो इसके अंदर कलेक्शन करते थे। okay. और यहीं से चारकोल से वाटर फिल्टर्ड होकर इस चैनल्स के थ्रू वापस वेल में आता था, जो कि ड्रिंकिंग के लिए यूज़ क्या करते थे, वेल ओवरफ्लो होने के बाद में वाटर को लेक में डाइवर्ट करते थे, क्योंकि मांडू जो है पूरा माउंटेन सिटी है, ज़्यादा लोग बारिश के पानी कलेक्शन करते थे। ओके, शाही हमाम है तुर्किश बात, और इस हमाम तुर्किश बात जिस हमाम को भी सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था। सर यहाँ पर 2 वाटर चैनल है, जिसमें एक में ठंडा पानी आता, दूसरी में गर्म वाटर सोर्स इसका बाहर से था, ये 2 बाथरूम में नहाने के लिए, और सर ये फायर प्लेस से पानी गर्म करने के लिए। ओके, सर इसके अंडरग्राउंड में भी एक बाथरूम है, जिसको समर और मानसून में यूज क्या करते थे, विंटर में उसके नीचे लकड़ी डाल के फायर करते थे स्टीम, वो सोनाबाद के रूप में यूज क्या करते थे, स्टीम आउट के लिए पूरे होल दे रखे हैं। और सर आप इसके अंदर देखेंगे 3 पाइप नजर आएंगे आपको, 2 तो पाइप दीवार के अंदर जा रहे हैं और एक अंदर से बाहर आ रहा है, देख रहे हैं। तो इसको, हाँ सर इसके अंदर ये 2 वाटर चैनल है, थोड़ा सा इसको भी सून करिए, दोनों में पानी मिक्स हुआ करता था, ठंडा और गर्म, फिर किसी बकेट में लेके लोग नहाते होंगे सर, ये ठंडा गर्म का। ये पूरा कितने एकड़ में फैला हुआ है ये? अभी जब हम लोग वापस गेट पे जाएंगे ना, हाँ तो बराबर 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर, अच्छा। मेगा फोर्ट। सर ये दिलावर खान की मस्जिद है। okay. लेकिन ये जो बिल्डिंग है 100% हिंदूज आर्किटेक्चर है, देखिए बीम कॉलम पूरा हिंदूज है जी। और दिलावर खान ये पहला मुस्लिम था जिसने आके यहाँ पे नमाज अदा करी, तो अपना नाम दिया। अच्छा। यहाँ नहीं, इंडिया में कहीं भी अगर हम लोग मस्जिद देखते हैं तो कंपलसरी होता है 3 मेन पॉइंट, जैसे कि ठीक मेन एंट्रेंस के ऊपर मीनार होती है, सेंटर में वाटर प्लेटफॉर्म होता है इमाम के लिए,
तीसरा वाटर टैंक होता है, तीनों चीज़ नहीं। लेकिन ये आर्च से ऐसा लगता है कि शायद कभी वो कोई जैन टेम्पल टाइप का कुछ स्टेज वगैरह करते होंगे, क्योंकि सर ये सिंबल देखिए पूरा जैन है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गौतम बुद्ध जी। और ये यहाँ देखिएगा घंटी के निशान भी है। सर ये घंटी के निशान है। बिल्कुल। और ये देखिए वो जो डिजाइन जो दिखता है ना, लुक्स लाइक हेड ऑफ कोबरा, इन कोबरा हेड अप एंड डाउन है। और सर ये कोर्ट यार्ड है, सुल्तान की टाइम में यहाँ पे जरूर महिलाएं नमाज पढ़ती होगी। ओके सर, आप मैं बोल नहीं, आप तो आज सुन जाइए। सर ये यहाँ का ओपन एयर थिएटर है, ऑडिटोरियम। ओके इसको भी 600 साल पहले वही सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने बनाया। सामने स्टेज है, पीछे बैक स्टेज है म्यूजिशियन के लिए। अंदर की साइड में तो ग्रीन रूम फॉर चेंजिंग रूम। अच्छा। और ओपन एयर थिएटर इंडिया में सिर्फ मांडू में है। ओके सर, वो जो राउंड विंडोज हम लोग देख रहे हैं वो ग्लास फ्रेम है। अच्छा। डिफरेंस करके उसमें ग्लास फिट किया, जब प्रोग्राम होता था ओके। तो उसके बैक साइड से एक आदमी सी मसाल हिलाता था जो कि लाइट चेंज होता था, जिसको अभी की लैंग्वेज में हम लोग डिस्को लाइट बोलते हैं। ओके और सर ये यहाँ पर बहुत ही बढ़िया एक्वास्टिक होता है। देखिए मैं आपको मोबाइल से गाना सुन, सर ये फूल वाली है, अब आप वहां जाके बैठ जाइए। उधर नीचे मत कूद जाना, पागल नहीं हूं मैं। यहां तक आ रही है आवाज। अच्छा साउंड है वो। अमेजिंग यार, जुगाड़ू थे। स्पीकर इज ऑन द अदर साइड और यहां तक अच्छे से साउंड आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उस बाइगॉन एरा में भी किस तरह का म्यूजिक सिस्टम और एंटरटेनमेंट सिस्टम्स होते थे, जो कुछ नहीं होता था, सिर्फ रॉक रॉक कट कार्विंग्स और जो मैकेनिज्म जो उस समय के इंजीनियर्स ने बनाया होगा, और अभी तो ये कल्पना करना भी मुश्किल है। ये चेंजिंग रूम है जो हम सामने से देख रहे थे, ये स्टेज है पूरा, और यहाँ पीछे से जैसा कुरैशी जी ने बताया कि यहाँ से पीछे से बैकग्राउंड साउंड और शायद बैकग्राउंड सीन्स फिल्म आए जाते थे उस समय। ओपन एयर सिनेमा भी कह सकते हैं आप उस जमाने का। पुराने समय के इंडियन फ्लश टॉयलेट है। ओके ये हॉल के पीछे पूरा ड्रेनेज टाइप का था पानी डालो आउटलेट के लिए। ओके पुराने जमाने का जगुआर। सर ये जो गेट के बैक साइड जो है पूरा किचन एरिया है। ओके और ये पूरा डाइनिंग हॉल था, और जिस बिल्डिंग के ऊपर एक पानी की टंकी, जिस पानी की टंकी से किचन में टॉयलेट में हमाम में, और सर ये स्विमिंग पूल बना हुआ, इसके अंदर लोग वाटर सप्लाई करते थे। अच्छा स्विमिंग पूल। सर ये जहाज महल का बैक साइड का एरिया है, और ये पूरा हरम एरिया था। ओके Thank you.
सर ये यहाँ का नेचुरल एयर कंडीशन है जहाँ हम लोग खुले हैं, और एयर कंडीशन लेक से कनेक्टेड है, और ये जो स्विमिंग पूल दिख रहा है इसके बैक साइड में हर साल बारिश के पहले एक टेम्परेरी वॉल कंप्लीट करते थे कि बारिश का पानी अंदर नहीं आए। उस समर में जब पानी का लेवल नीचे आता दीवार को तोड़ दिया करते थे। ये कंटिन्यूस स्विमिंग पूल है, इसमें हमेशा पानी के अंदर खुशबूदार फूल या परफ्यूम टाइप की कुछ चीज़ डालते थे जो पानी की हवा के थ्रू पूरी खुशबू। और यहाँ के बाद चलिए चलते हैं जहाज महल को थोड़ा सा और करीब से देखने के लिए। मांडू का जहाज महल है, मैंने आपको बोला कि दो लेक के मिडिल में बैक साइड में मुंज टैंक है जी। और ये फ्रंट में कपूर टैंक है, और ये देखिए बहुत ही सुंदर स्विमिंग पूल बना हुआ है जिसकी डिजाइन कमल के फूल की है। तो इस साल तो वही इसको परमान ने किया था, कंप्लीट बाय सुल्तान की आसूदगी की। इस बिल्डिंग के ऊपर का जो रूफ है इस कॉर्नर से लेके तो उस कॉर्नर तक उसका जो थिकनेस है वो 3 मीटर है, क्योंकि इस टाइप का स्विमिंग पूल इसके ऊपर भी बना हुआ है। अच्छा, तो बिल्डिंग का जो रूप है वो पूरा स्लोपिंग था, तो सारा रेन वाटर ऊपर के टैंक में कलेक्शन करते थे, क्योंकि वहाँ पे दो राउंड में वाटर चैनल है, एक तो वाटर इनके लिए था, दूसरा ओवर फ्लो के लिए। जब ऊपर का टैंक होता था एक चैनल्स के थ्रू इस टैंक में पानी डालते थे। ओके, ये जो टैंक है पुराने समय का वाटर कूलर है, इसका पानी सिर्फ गर्मी में यूज़ किया करते थे, क्योंकि जब इसको बनाया गया था बिल्डिंग मटेरियल के अंदर जो चूने की मात्रा ज़्यादा थी, तो चूने की वजह से इसका पानी बहुत ठंडा होता था। ओके, दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ मांडू या मांडव फोर्ट। ये रूफ टॉप स्विमिंग पूल है जिसके बारे में ऋषि जी ने हमें बताया था। और अच्छा। होने के बाद में उस चैनल्स के थ्रू जो नीचे पानी डालते थे वाटर टैंक में, जो कि ड्रिंकिंग के लिए यूज़ किया करते थे। अभी हम लोग, मैंने बताया ना कि जिस सीढ़ी से उतरेंगे उसको जहांगीर ने बनवाया था, उसी साइड में सूरज कुंड है जिससे पर्शियन व्हील के थ्रू वाटर लीक किया करते थे। इस चैनल के थ्रू पानी सीधा स्विमिंग पूल में जाता था। सो ये है जहाज महल, मांडू का जहाज महल, और एक वर्थ विजिट प्लेस नियर इंदौर और उज्जैन। ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ बाइगॉन एरा, और एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक इंजीनियरिंग की बेमिसाल एग्जाम्पल है कि उस समय भी ऐसा इंजीनियर्स होते थे कि जिन्होंने इतना फैंटेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है कि विदाउट एसी सारे रूम्स एयर कंडीशन और चारकोल फिल्टर्ड वाटर और बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ जो आज की डेट में काफ़ी लोगों को अभी भी जिनका सहूलियत नहीं है। ये टाइम है मांडू के किले से वापस जाने का, इनफैक्ट सेकंड अट्रैक्शन पे जाने का, और मिलते हैं फिर इस छोटे से ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग प्लान जर्नीज YouTube channel. Till then, bye.